आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों पर चयनित सभी दलों के 9 उम्मीदवारों आज शपथ दिलाई गई। मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे, जहां अवधेश नारायण सिंह और विजय चौधरी की उपस्थिति में इन सभी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। विषय पर हमसे पहले मत पूछिए, जिस कार्य के लिए माननीय लालू प्रसाद ने, तेजस्वी बाबू ने हमको यहाँ भेजा है, उस विषय पर पूछिए। गरीब किसानों का किस तरह राज्य सरकार शोषण कर रही है, किस तरह से सहकारी समितियों का शोषण हो रहा है, किस तरह से सभी पैक्स का बकाया है। आप कहते हैं कि धान अधिप्राप्ति का कार्य करो, चावल सप्लाई करो, और बोरा आप दे नहीं रहे हैं। आप जिस तरह से चारों ओर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जिस तरह से किसानों का दिन दहाड़े खून चूसा जा रहा है, आज आप भभुआ जाइए, ससाराम जाइए, बिस्कोमान की बात छोड़ दीजिए, तो 265 रुपये का यूरिया आज उन लोग को 400 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। सरकार सोई हुई है, तो यह सोने नहीं दिया जाएगा। इसी कार्य के लिए माननीय लालू प्रसाद जी ने मुझको सदन में भेजा है कि तुम राज्य के गरीब किसानों का सहकारजनों के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी उजागर करो और मुस्तैदी के साथ उसके साथ तुम लड़ो। जी, कि हमारे इस साधारण व्यक्ति को बिहार विधान परिषद के सदस्य बना करके उन सवालों को उठाने का अवसर दिया है जो पिछले 15 वर्षों से सवाल अनुत्तरित रह गई थी। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो वंचित तबके का, खास करके जाति पिछड़ा वर्ग का जो सवाल है, उस सवाल को मैं पुरजोर ढंग से उठा करके सरकार को बेनकाब कर सकूं, नीतीश कुमार को मैं दिखा सकूं कि आपने 15 वर्षों के सुशासन में अति पिछड़ा और उपेक्षित जातियों को आपने और पीछे ढकेलने का काम किया है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है, वही एक एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता है। वह प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। तो सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम चलते रहेंगे, अबाध गति से चलते रहेंगे। सेवा हमारा परम धर्म है। सदन में जनता के सवालों को लेकर निश्चित तौर पे सदैव खड़ा रहा हूँ और रहूँगा। उसमें कहीं से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि हमारी सरकार लोक हितकारी सरकार है, तो लोक हित के हर मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और उन कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन कार्यकर्ताओं के बीच से यहां तक पहुंचने का मौका मिला है। इसके लिए सबका आभार है। भगवान जरूर आशीर्वाद दे कि विकास की गति पर आगे बढ़ते रहे। हमारी जो भूमिका होगी सदन में विपक्षी सदस्यों के नाते, जो बिहार की समस्या हैं, जैसे शिक्षा की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है बिहार में, उसको सरकार के नोटिस में लाना, उसका क्रियान्वयन कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ये हमारा मुख्य काम होगा। और जनहित में समय समय पर जो भी हमें बिहार की समस्या नज़र आएगी, उसको सदन में निश्चित रूप से मजबूती के साथ उठाने का हम काम करेंगे। 30 करोड़ लोग हैं, उसमें 80 करोड़ पूरे देश के लोगों को खाना देने का प्रावधान किया गया है, और लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इसमें डाला गया है। अभी लगभग 80 हजार करोड़ रुपया दिया गया है, जिससे कि ये जो 5 महीना है इसमें हम लोगों को खाना उपलब्ध कराएंगे।